Hey guys, what's up? How are you guys doing? Off late मैं ज़्यादा कुछ rides नहीं किया हूँ after the Pondicherry ride. Primary reason कि like couple of friends का marriage attend करना था. उसके बाद I been to a family trip, one or two trips. So इसके वजह से I couldn't plan any of the rides off late. So it's been like 1 month या 2 months हो गया. October is when I went to Pondicherry. उसके बाद मैं कोई ride नहीं किया था. यस ऑफ कोर्स मैं फैमिली के साथ मुरुडेश्वर गया था. उसका एक वीडियो जो टाइम लैप्स वीडियो है वो मैंने अपलोड किया था इन माय चैनल. आई मीन इफ इन केस यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो आई एम गोइंग टू यू नो लीव यू द क्लिक बटन हियर. उसको क्लिक कीजिए एंड वॉच द टाइम लैप्स. अच्छा टाइम लैप्स बना था. आई मीन काफ़ी अच्छा प्लेस है मुरुडेश्वर भी. तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट ऑल एक्सपेंसेस हैव इनकर्ड ड्यूरिंग माय लद्दाख राइड. सो इफ इन केस यू आर प्लानिंग इट विल बी इजी फॉर यू टू यू नो फिगर आउट दैट यू नो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ यू नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस यू माइट कम अक्रॉस एंड हाउ मच यू नीड टू हैव इन योर पॉकेट बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग द लद्दाख राइड बाइक राइड. आई मीन या सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ इट. What I'm going to do is I'm going to break the entire expenses into three components: fuel, food, and lodging. ये तीन जो है बहुत ही like major parts है जहाँ पे आपका पैसा खर्चा होता है. And at the same time, if in case you are traveling, I mean riding a bike, प्री सर्विस जाने से पहले आपको कुछ सर्विस करवाने पड़ेंगे, आपको कुछ चेंजेस करवाने पड़ेंगे आपके बाइक में. एंड देन पोस्ट वापस आने के बाद बाइक सर्विस पे दो उसको. The four components I have broken it into food, fuel, lodging, pre and post service of the bike, post the ride. Yeah, so let's start with the first aspect. So the first thing is the fuel. Fuel ke bina gaadi jayegi nahi, of course. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फ्यूल. सो जैसे मतलब ये इस पूरे ट्रिप में आई हैव स्टार्टेड माई ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर जो कि मैंने बैंगलोर से ले लद्दाख देन टू दिल्ली. तो मेरा पूरा साइकिल जो है सर्किल जो है बैंगलोर टू ले लद्दाख टू मनाली टू दिल्ली. सो फ्रॉम दिल्ली आई टुक अ फ्लाइट एंड केम बैक. सो फ्रॉम बैंगलोर आई स्टार्टेड इन अ बाइक. सो मी एंड माई ब्रदर वी वेर राइडिंग इन द सेम बाइक. सो एज वी वेर यू नो राइडिंग टुगेदर सो वी हैड शेयर द फ्यूल प्राइसेस. सो बेसिकली आई थिंक फ्रॉम बैंगलोर से ले लद्दाख मनाली और दिल्ली तक आई थिंक द अप्रॉक्स किलोमीटर्स केम अराउंड लाइक 5,800 टू 6,000 किलोमीटर्स. और आई थिंक द एक्सपेंसेस केम अराउंड लाइक 15,000 to 16,000. ठीक है. आई थिंक द बाइक हैज़ ओवरऑल यू नो गिवन अ वेरी गुड फ्यूल इकोनॉमी. आई थिंक 30 से 32 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज हमको मिला था जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था कितना पैसा हुआ है. एंड ऑल्सो आई थिंक इट केव अराउंड लाइक 32 किलोमीटर्स पर लीटर. आई मीन इवन इन द टेरेन्स ऑल्सो वहाँ पर हमको अच्छा एक फ्यूल इकोनॉमी मिला था बाइक से. आई मीन डोमिनर इज रियली डिड अ वंडरफुल जॉब देयर. So fuel expenses came around like 16,000. So if in case I'm splitting it, it is like 8,000 rupees. But if in case you are riding alone, then it will come up to 16,000 rupees. For keeping in mind, it gives you like 30 to 30 kilometers per liter, and keeping in mind the average per liter cost is 70 to 75 rupees. The next point is the lodging. So lodging में हम लोगों ने like you know as we stayed in a couple of cities like जयपुर फिर लुधियाना बॉम्बे फिर आई थिंक सूरत में हम लोग स्टे किए थे एंड ऑल्सो चंडीगढ़ दिल्ली एंड ऑल्सो ओवरऑल आई मीन ऑन एन एवरेज आई थिंक इट केम दी पर नाइट कॉस्ट वॉज लाइक 1,000 to 1,500 रुपीज़. और इन द माउंटेन्स लाइक यू नो ले लद्दाख एंड ऑल दोज प्लेसेस द एवरेज वॉज अराउंड 600 to 800 रुपीज़. पैंगोंग में जहाँ पे हम लोग टेंट में रुके थे इन द नाइट सो दैट एक्सपेंस वॉज लाइक 1,800 रुपीज़ इफ एम नॉट रॉन्ग. तो ओवरऑल हमारा बजट हुआ था लॉजिंग के लिए लाइक 8,000 to 9,000 रुपीज़. सो अच्छी जगह पे हम लोग स्टे किए थे वेरी गुड इट वॉज. बट वन पॉइंट टू बी यू नो नोटेड हियर आई मीन आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज ऑल्सो बिक आई बीन डूइंग आई डन दिस राइड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैं थोड़ा कॉशियसली यू नो आई वेंट अहेड बट एज एन एक्सपीरियंस आई मीन व्हाट आई गेन्ड फ्रॉम दैट राइड इज
you don't have to worry about the hotels and all. So even if you go to Leh Ladakh, you can go there and you can still find a good hotels there. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी एंड यू नो प्री बुक द होटल्स एंड ऑल. जैसे कि हम लोग एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ जगहों पे हम लोगों ने ऑलरेडी प्री बुक किए थे एंड वी लॉस्ट सम अमाउंट, दैट्स बिकॉज ऑफ डिलेज इन आर राइड ओवरऑल. ठीक है, तो आई थिंक ओवरऑल वी लॉस्ट लाइक 3,000 rupees और समथिंग. सो इफ नॉट वी वुड हैव सेव्ड दैट 3,000 rupees एक्चुअली. सो माई सजेशन इज लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आई मीन ऑन टू आई मीन इन गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड ऑल, ऑन द हाईवेज यू फाइंड अ वेरी गुड होटल. Hotels, you can, you know, based on, you know, where you reach by end of the day, you can stop, you can find the hotels and then, you know, check into the hotels rather than, you know, pre-booking it and, you know, keeping in mind ki bhai mujhe jana hai and, you know, not try to hurry and haste and all, right? So don't worry about the rooms and all. So you will definitely find rooms and at a good cost, I'm telling, right? It's quite reasonable also. Leh Ladakh mein bhi hum log, jahan pe hum log pre-booking nahi tha, theek hai, toh wahan pe hum gaye. We searched for the rooms and all, ठीक है, तो बहुत अच्छा reasonable prices पे हमको rooms मिल गया था. जैसे मैंने कहा 600 to 800 rupees, I think Nubra में it was like 400 rupees per person or something, so it's quite reasonable I would say. So don't worry about the rooms and you know end up you know pre-booking, and if in case you're not reaching there, so unfortunately you will you know end up losing a lot of money, so don't worry about it. So हमारा lodging का cost आया था like 8,000 to 9,000 rupees. The next component is food. So food ka jaisa hum logon ne calculate kiya tha, I think it came around like 9,500 ya 10,000 rupees kuch aaya tha hum logon ke liye. Though that you know that in mountains jahan Leh Ladakh mein even if you want to spend also you wouldn't be able to, I mean for food, because wahan pe zyada maggi chalta hai, theek hai, ya fir aapko milega bread omelets, ya fir mostly I mean रात को हम जब होटल में ठहरते थे दैट्स व्हेन वी यूज्ड टू हैव फाइंड अ गुड फूड, बट अदरवाइज और एल्स इफ इन केस मॉर्निंग वी वांट टू लीव देन इन द सेम होटल वी यूज्ड टू यू नो हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड देन लीव. ठीक है, वंस यू नो ऑन द रोड आई मीन यू मोस्टली यू नो एंड अप हैविंग मैगीज. अच्छा मैगी बनता है, रिमेंबर, बहुत अच्छा मैगी बनाते हैं वहाँ पे, मैगी या फिर एग ऑमलेट्स वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ फास्ट फूड जैसा. ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, ये मैगी होगा आपको 30-40 rupees, पानी का खर्चा रहेगा, ब्रेड ऑमलेट्स रहेगा, टी कॉफ़ी का ही खर्चा रहेगा. ठीक है, तो ज़्यादा खर्चा वहाँ पे नहीं रहेगा, बट इन सिटीज़ ओनली यू नो वेयर फूड विल बी एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो ओवरऑल इट केम लाइक यू नो 9,000 या 10,000 rupees फॉर मी. तो तीन एस्पेक्ट्स बन गया, थ्री कॉम्पोनेंट्स लाइक फूड, लॉजिंग एंड फ्यूल. तो इट केम अराउंड लाइक 25,000 फॉर मी. ठीक है, तो दैट इज़ फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली 24,000 या 25,000 कुछ हुआ था यार. ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद द फिगर्स, तो इतना ही हुआ था हमारा. एंड इट्स वी हैड वेरी गुड फूड, वी स्टेड इन अ गुड होटल्स, फ्यूल वॉज देयर. सो आई मीन ओवरऑल आई थिंक 25,000 इज़ वॉट यू नो 25 या 26,000 यहाँ कुछ फिगर हुआ होगा एज अ खर्चा. Then comes the preparation for the bike before you start the ride. So what all changes I have done for my bike is like tires maine change kiye the, Timson ka tires dalwaya tha maine, I think that was around 7,500 rupees. Service karwaya tha bike ka, I think before going I changed this sprocket also, that costed me somewhere like 4,000. Us time pe jo service ka expenses hua tha that was around like 6,000 if I'm not wrong. Aur tires change karwaye the maine jo ki 7,500 hua tha, मोटा मोटी इतना ही था. तो आई थिंक लाइक 13,000 या 14,000 rupees बाइक को प्रिपेयर करने के लिए लगा था. फॉग लैम्प्स डलवाए थे मैंने जो कि लाइक 15,000 rupees कुछ हुआ था. सो 16,000 rupees मानता हूँ कि लाइक यू नो दिस विल बी लाइक यू नो कैन बी यूज्ड बियॉन्ड दिस राइड ऑल्सो, बट स्टिल आई मीन दिस इज वॉट मोस्टली यू हैव आई मीन आई चेंज द टायर्स एंड द सर्विस. सो लेट्स कीप द फॉग लेट्स साइड. सो इट्स लाइक 14,000 rupees. और माई बाइक, माई ब्रदर हैज़ रिडन ऑल द वे फ्रॉम डेली टू यू नो बैंगलोर. सो वो वापस घर आते आते आई थिंक इट वॉज लाइक 8,000 or 8,500 kilometers कुछ हुआ था ओवरऑल, बिकॉज ही वेंट टू राजस्थान, गुजरात एंड ऑल कुछ घूम घूम के आया था वो. ठीक है, उसके बाद आई गिवन अ बाइक फॉर द सर्विस एंड दैट टाइम द सर्विस कॉस्ट केम अराउंड लाइक 4,500 or 5,000 rupees. फूड, लॉजिंग एंड फ्यूल वॉज लाइक 25,000-26,000. और बाइक प्रिपरेशन के लिए आई स्पेंट अराउंड 14,000. लेट्स कीप द ओवरऑल फिगर एज 40,000.
wherein I have spent starting from Bangalore to Delhi. Okay, so the overall expenses came for 40,000 rupees. I think it was well, you know, below my set calculation amount. Okay, so calculated amount. So I was pretty happy, and more importantly, since Dominar has given me a very good fuel economy, that also helped me in saving a lot of money. I mean, it does matter, yeah, right? Right, because we have munched so much kilometers on the highways, so definitely a bike with which returns a good fuel economy definitely serves a lot of purpose. Let me put the figure for my brother also. So while he has come back all the way to Bangalore, I think uska kuch expenses bana tha another 10,000 rupees. So Bangalore to Bangalore, when he has done, I mean, what he has done, and his overall figure came around like 50,000 or 51,000 kuch aaya tha. So I hope this gives you a fair understanding and idea of, you know, if in case you are planning for Leh Ladakh from Bangalore. And I hope this video is informative and helps you in many ways. And if in case. So overall, this is what I wanted to share with you guys today. And I hope this video helps you in several ways, if in case you are planning for Leh Ladakh, right? And trust me, guys, you should visit Leh Ladakh. Beautiful place it is. Beautiful place it is. If I get an opportunity, definitely I'll, you know, visit the place in another year or two. Maybe ek year gap de de, uske baad jayenge. Theek hai. But seriously, it's a very, very beautiful place, and especially it's a heaven for the motorcyclists, right? So I have definitely enjoyed my time during Leh Ladakh. I still recall those moments, still fresh in my mind. Yes, this is pretty much what I wanted to share. Yes, one more thing I wanted to share with you guys is that, you know, I have ordered GoPro, which is going to arrive very soon. Trips as of now, no bike rides as of now. Maybe we'll just, you know, go for some short spin over the weekend or something. And yep, finally I'm going to close the video for now, and I hope you enjoyed, you liked it, you find it informative. And if in case it is, then please do not forget to share with your friends, like the video, and subscribe to the channel. So, signing off for now. Good night, guys.